हेलो फ्रेंड्स, बीबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है देखिए इस प्लांट के बारे में है। ये है बहुत ही खूबसूरत सा कॉक्सकॉम, या इसको मुर्गा कलगी भी बोलते हैं, सिलोसिया भी बोलते हैं, इस तरह के इसके कुछ नाम होते हैं। ये देसी टाइप है, इसमें हाइब्रिड भी होता है। देसी वाले की जो हाइट है थोड़ी सी ज़्यादा होती है और जो हाइब्रिड होता है वो छोटा ही रहता है हाइट में। ये प्लांट मेरे गार्डन में अप्रैल मई से ये उगना शुरू हुआ था और अभी देखिए अक्टूबर मंथ है, चल रहा है तो अभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। तो स्टार्टिंग से लेके इसको मैं दिखाऊंगी आपको। और देखिए जब ये इसके छोटे प्लांट होते हैं तो कुछ इस तरह के होते हैं जो बहुत ही कलरफुल पत्तों के साथ होते हैं। तो मेरे को बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप कोलियस के प्लांट को कॉक्सकॉम बताते हैं, तो ये कोलियस का प्लांट नहीं है, ये कॉक्सकॉम का ही प्लांट है। और देखिए ऐसे ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और स्टार्टिंग में बहुत ही खूबसूरत होता है कलरफुल पत्तों के साथ। तो इसको इसकी प्रोपोगेशन की बात करूँ तो प्रोपोगेशन इसकी खुद ब खुद ही होती है। एक बार आप इसको अपने गार्डन में जब ऐड कर लेते हैं, कहीं से इसको बीज से ग्रो करते हैं या नर्सरी से प्लांट लाते हैं, तो एक बार जब ये प्लांट आपके गार्डन में आ गया तो फिर ये प्लांट जब इसका सीज़न आता है अप्रैल मई, तो ये खुद ही ग्रो हो जाता है जहाँ भी इसके सीड गिरे होंगे। तो मैंने इस प्लांट को एक बार कहीं से ला के इसके प्लांट अपने गार्डन में लगाए थे, तो ये कोई 5-6 सालों से मेरे गार्डन में ये खुद ही ग्रो हो जाता है जब भी इसका सीज़न आता है। तो इस तरीके से ये सेल्फ सीडलिंग प्लांट है, एक बार आपने इसको कहीं से भी लाके अपने गार्डन में लगाना है तो फिर ये जब इसका सीज़न आएगा तो ये खुद ही ग्रो हो जाता है। इसके सीड भी सेव करने की ज़रूरत नहीं होती है और जैसे जैसे प्लांट थोड़ा सा बड़ा होता जाता है उतनी ही इसकी खूबसूरती है वो बढ़ती जाती है। तो देखिए ये सब इसी के ही हैं, जब ये छोटा था जैसे मीडियम साइज़ का हुआ, जैसे बड़ा हुआ तो तब इतना ही खूबसूरत ये लगता है। देखिए फूलों से ज़्यादा तो ये प्लांट लगता है जब स्टार्टिंग में ये बड़ा हो रहा होता है। तो इसके मिट्टी की बात करूँ तो इसको वेल ड्रेन ही सॉइल चाहिए होती है, वैसे ये किसी भी मिट्टी में चल जाएगा। एक तो इसके लिए बड़ा गमला होना चाहिए ज़मीन में, अगर आपके पास ज़मीन है तो आप ज़मीन में लगा सकते हैं, ज़मीन नहीं है तो आप इसको थोड़े से बड़े गमले में लगाइए, 12-14 इंच के गमले में, क्योंकि ये बहुत देर तक तो नहीं रहेगा, कम से कम भी हमारे गार्डन में रहेगा। अप्रैल है, देखिए मेरे गार्डन में ये अप्रैल में ही से उगना शुरू हुआ था, अभी अक्टूबर है तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने रहेगा हमारे गार्डन में, तो इसलिए इसको आप थोड़ा सा बड़ा गमला दीजिए। तो और साथ में अच्छी खाद इसके गमले में डालेंगे तो प्लांट की जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छी होती है, प्लांट अच्छा हेल्दी दिखता है और जब उसमें फूल खिलते हैं तो और भी खूबसूरत लगता है। तो वेल ड्रेन सॉइल में आप रेत, गार्डन सॉइल और कोडंग कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट जो खाद होती है उसको ले सकते हैं, इसके अलावा इसको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और पानी इसको गर्मी के दिनों में डेली देना पड़ता है क्योंकि इसकी रूट बहुत ज़्यादा फैलती हैं और जल्दी जल्दी फैलती हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में मैंने इसको लगाया था 12 इंच के गमले में जो सीमेंट का पॉट होता है, तो अभी जो मेरा प्लांट है उसको मैंने लगाया हुआ है जो बड़ा वाला पॉट होता है 14 इंच का सीमेंटेड पॉट, उसमें लगाया हुआ है तो अच्छे से ये फ्लावरिंग कर रहा है। तो इस तरीके से गमले आप इसको काफ़ी बड़ा ही स्टार्टिंग में देंगे तो आपका प्लांट है अच्छे से ग्रोथ करेगा और उसकी जो फ्लावरिंग है बहुत ही अच्छी होगी। तो इस तरीके से आप इसको गमला और इस तरीके की मिट्टी में दे सकती हैं। और अभी बात करूँ सनलाइट की, तो इसको सनलाइट तो बहुत ज़्यादा तो 5-6 घंटे की नहीं मगर 2 या 3-4 घंटे की जो धूप है इसको चाहिए होती है अच्छी ग्रोथ के लिए। देखिए मैंने इसको जो किश्ती टाइप गमले होते हैं उनमें भी, मेरे पास बहुत सारे प्लांट थे तो उनको उनमें भी इनको लगाया हुआ है, तो बहुत ही अच्छे से ये चलते हैं, ज़्यादा केयर कोई करनी नहीं पड़ती है। वही है कि पानी इसको देना पड़ता है क्योंकि इसकी रूट्स काफ़ी फैलती हैं, अगर पानी नहीं देंगे तो ये मुरझाने लगता है जो अप्रैल मई या जून जुलाई की जो गर्मी होती है, तो जैसे ही बरसात आ जाती है तो फिर ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, एक बार अपने गार्डन में आपने ऐड करना है इसको तो फिर ये खुद ही हर सीज़न में आपके गार्डन में ग्रो होगा और 6 महीने आपके गार्डन में अपनी खूबसूरती बिखेरता रहेगा। तो अभी देखिए ये अक्टूबर मंथ है, तो अक्टूबर मंथ में देखिए मेरे पास जितने भी कॉक्सकॉम के प्लांट हैं उनमें इस तरीके से जो है फ्लावरिंग होती है। एक तो ऊपर सबसे बड़ा जो फूल है खिलता है और मगर साइड साइड में भी जो भी इसकी ब्रांचेज होती हैं उनमें भी छोटे छोटे जो फूल हैं खिलते हैं, तो इन्हीं फूलों पर जो है इसके सीड बनते हैं। और जहाँ भी आपने प्लांट लगाया होगा उस गमले में तो इसके सीड गिरे ही गिरेंगे ही, तो आसपास भी इसके जो सीड हैं वो गिर जाते हैं जहाँ आप कलेक्ट भी कर सकते हैं, कलेक्ट करके आप दूसरे तीसरे गमले में डाल देंगे तो अगले साल जो है इसके जो छोटे छोटे ब्लैक कलर के सीड होते हैं जो शाइन करते हैं तो उनको आप सेव भी कर सकते हैं, जहाँ आप
गमले में ही डाल दीजिए, तो जैसे ही सीज़न आएगा मार्च अप्रैल अप्रैल में ही, और फिर इसमें जो है इसके जो न्यू प्लांट है छोटे छोटे उगना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए ये वाला प्लांट मेरा बोगनविलिया के प्लांट के साथ में लगा हुआ है, जो 14 इंच का पॉट है, तो उस इसकी जो ग्रोथ है सबसे अच्छी है। तो इस तरीके से आप इसको प्लांट को एक बार अपने गार्डन में ऐड कीजिए, और ज़्यादा कोई केयर नहीं है, मगर खूबसूरती ये बहुत गार्डन में ऐड करता है। तो देखिए ये वाला प्लांट थोड़ा सा लेट उगा था गमले में, और अभी देखिए इसमें छोटे में ही फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरीके से इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, इससे जो है हर साल ये आपके गार्डन में 6 महीने के लिए आएगा, और इस तरीके से खूबसूरती बिखेरेगा। तो नर्सरी पर इसके जो प्लांट हैं ये वाले कम ही मिलते हैं, बहुत सारे घरों में ये लगे रहते हैं, और वहाँ से आप इसके सीड ले सकते हैं और इसको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे गार्डन में तो ये खुद ही ग्रो हो जाता है हर साल, और 6 महीने बना रहता है, मगर जैसे ही इसकी अभी फ्लावरिंग ओवर हो जाएगी तब भी ये थोड़ा रहेगा, नवंबर तक रहेगा, जब तक उखाड़ोगे नहीं तो ये रहेगा। तो देखिए यहाँ इसके सीड बनते हैं, ये वाले देखिए जहाँ फूल होता है इसके बीच बीच में ही इसके सीड होते हैं, तो वहाँ से आप कलेक्ट भी कर सकते हैं, कलेक्ट नहीं करोगे तो वो गिर जाएंगे नीचे नीचे। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इसके बारे में केयर। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए, वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।